नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। अभी जो पौधे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, गार्डनर्स इससे बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि यह अपने आप ही उगाते हैं। आप इन्हें जितना उखाड़ के फेंक दें, ये फिर दोबारा उग जाते हैं। ज़्यादातर लोग इसे घास ही समझते हैं। ये पर्सलेन के पौधे हैं। इसे लोनी, कुल्फा, कोलुप्पा, बड़गुनी, गोराई आदि नामों से भी जाना जाता है। पर्सलेन का पौधा गमलों में, घरों के आसपास, जंगलों, सड़क किनारों, बंजर जगह पर आसानी से उग जाता है। उखाड़ने पर भी ये पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता। पर्सलेन की जड़ें कई सालों तक जमीन के अंदर जीवित रहती हैं और समय अनुसार पानी में पोषण मिलने पर पौध के रूप में बाहर निकल आती हैं। पर्सलेन का पौधा भारत में लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है। इसके पत्ते रस भरे और स्वाद में खट्टे नमकीन होते हैं। पर्सलेन आयुर्वेद में बहुउपयोगी औषधि है। शोध में भी पर्सलेन का पौधा कैंसर जैसी घातक बीमारी क्योर करने में सफल माना गया है। पर्सलेन मुख्य रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन से, मिनरल से भरपूर होता है। पर्सलेन एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों का एक साथ मिश्रण है। पर्सलेन के 2-3 पत्ते रोज खाना ही मात्र संपूर्ण रोगों का नाशक माना जाता है। पर्सलेन पत्तों का रस घाव के चारों तरफ लगाने से सूजन, पस, जख्म से जल्दी छुटकारा मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन रहने पर नित्य सुबह पर्सलेन के 3-4 पत्ते चबाना फायदेमंद है। पर्सलेन ब्लड क्लॉटिंग समस्या ठीक करने में भी सहायक है। पर्सलेन के बीज शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने एवं कैलोरी बर्न करने में भी सहायक हैं। शीघ्र वजन घटाने के लिए 7-8 पर्सलेन बीज गुनगुने पानी के साथ सेवन के बाद वर्कआउट कर सकते हैं। पर्सलेन सेवन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। बच्चों में भूख की कमी दूर करने, नज़र तेज करने, पाचन समस्याएं ठीक करने के लिए यह उपयोगी है। कीट पतंग या मधुमक्खी के काटने पर पर्सलेन के पत्तों को डंक वाली जगह पर रगड़ने से जहर का असर शीघ्र कम हो जाता है। चर्म रोग में त्वचा को गर्म पानी से धोकर पर्सलेन पत्तों का रस लगाना फायदेमंद है। पर्सलेन त्वचा से संक्रमण, बैक्टीरिया या एलर्जी को धीरे धीरे ठीक कर देता है। पर्सलेन एक तरह से मल्टीविटामिन और मिनरल्स का रिच स्रोत है और मांसपेशियों, हड्डियों को मजबूत बनाने में सक्षम है। पर्सलेन सब्जी, सलाद या काढ़े का सेवन रक्त बढ़ाने और रक्त साफ करने में सहायक है। हीमोग्लोबिन के लिए पर्सलेन खास औषधि है। अब बात करते हैं इसका उपयोग कैसे करना है। पर्सलेन का उपयोग मुख्यतः साग बनाकर किया जाता है। कई घरों में इसे मूंग या चने की दाल में भी पकाया जाता है। ताजे पर्सलेन में पुदीना, धनिया, अदरक और लहसुन इत्यादि मिलाकर स्वादिष्ट चटनी भी बनाई जाती है। यूरोपीय देशों में पर्सलेन का सूप बनाया जाता है जिसे लोग बड़े चाव से ब्रेड के साथ खाते हैं। भारत में पर्सलेन का रायता भी बनाया जाता है। आप इसकी पत्तियों को तोड़कर अच्छे से धोकर सीधे भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी पर्सलेन के बारे में, जिसके गुणों से अधिकतर लोग अनभिज्ञ हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।